एक स्ट्रांग व्यक्ति जब किसी को माफ करता है वो महान कहा जाता है, लेकिन जब एक कमजोर व्यक्ति किसी को माफ करता है वो लाचार कहा जाता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता, उसके पास माफी देने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुझे ऑनेस्टली नफरत है उन लोगों से जो आपको सिखाते हैं कि फॉरगिवनेस, माफ करना सीखो, नेकी कर दरिया में डाल। जब आप ये सब बातें सीखते हो, समझते हो ना, आप इन चीजों का कॉन्टेक्स्ट समझते नहीं हो, आप बस बेफाम फॉरगिवनेस, काइंडनेस, एम्पथी अप्लाई करना शुरू हो जाते हो। किसी ने आपको ये समझाया नहीं है लेकिन कि भाई जो कोई अगर ताकतवर है, कोई मजबूत व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ करने की क्षमता है, उसके बाद अगर वो माफ करना चूज करता है तब उसकी फॉरगिवनेस, उसकी काइंडनेस को महान कहा जाता है। लेकिन कोई कमजोर व्यक्ति है जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं, जो कुछ कर ही नहीं सकता है, तो उसकी वो लाचारी है कि उसको अभी फॉरगिव ही करना पड़ेगा, वो माफी ही करनी पड़ेगी उसको। क्यों? क्योंकि उसके पास माफी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब ऐसी माफी किस काम की, मुझे बताओ। आपको किसी ने ये समझाया नहीं है आज तक कि भाई पहले सक्षम बनो, कंपेटिटिव बनो, मजबूत बनो, तब जाकर तुम इन चीजों को रोक सको। सबसे पहले तो ताकतवर बनो, उस ताकत को अपने अंदर कंज्यूम करने की शक्ति रखो, उसको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है हमको। आपको कंपेटिटिव बनना है, आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, थोड़ा पावर होना जरूरी है आपके पास, थोड़े कनेक्शंस होने जरूरी हैं, थोड़ी स्ट्रेंथ होनी जरूरी है आपके पास, फिजिकल स्ट्रेंथ होनी जरूरी है, मेंटल स्ट्रेंथ होनी जरूरी है। उसके बाद अगर इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा अपने काबू में रख के किसी को माफ़ करते हो, तब आपकी माफ़ी की वैल्यू होती है, तब जाकर आपकी काइंडनेस की वैल्यू होती है। कोई कमज़ोर है एक तो, दूसरा एग्जाम्पल, कोई कमज़ोर है जो कुछ कर ही नहीं सकता है, किसी ने उसको फटकार दिया उसके बाद भी वो रिस्पॉन्ड कर ही नहीं सकता क्योंकि वो कमज़ोर, उसको पता है मुझे चार और पड़ जाएगी। अब अगर वो कहता है कि जा जा मैंने तुझे माफ़ किया, जा जा तुझे मौका दिया, दुनिया भर उस पर हंसेगी, क्या नौटंकी कर रहा है तू, निकल ले फटाफट, चला जा यहाँ से। आप समझ रहे हो मेरे कहने का तात्पर्य, मीनिंग समझ रहे हो आप? अब ऐसे कमज़ोर व्यक्ति को आप सिखाओगे कि बेटा आप काइंड रहो, माफ़ करना सीखो, तो वो दुनिया भर में एक्टिंग करता रहेगा, वो कभी भी सक्षम या पावरफुल बनने की सोचेगा ही नहीं। पावरफुल इन टर्म्स ऑफ कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत काबिल तो हो कि खुद का डिफेंस तो कर सके। अब जो पावर, जो वर्ड है ना पावरफुल बनना, उसको बहुत ही नेगेटिव टर्म्स में देखा जाता है। आप समझो ये, चलो लोगों की बात छोड़ दो, दो नेशंस है, देश, एक भारत है एक रशिया है। भारत के पास पावर है, पोटेंशियल है, उसके बाद अगर वो कहता है कि देखो काबिलियत है मेरे पास, तो बेटर है कि आप भी काइंड रहो, मैं भी काइंड रहूंगा। यहां पर आता है लेवल, इस तरीके की काइंडनेस सिखानी चाहिए हर किसी को। इवन इफ यू हैव सम पावर, स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी, दो यू चूज टू फॉरगिव, यू विल बी कंसिडर ग्रेट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस तरह की चीजें आपको सिखाई जानी चाहिए थी, लेकिन आपको सिर्फ घिसी पिटी काइंडनेस, एम्पथी, फॉरगिवनेस सिखाई जाती है। कोई आपको ये नहीं बोलता है कि बेटे सबसे पहले इन सब चीजों को हटा, कॉम्पिटिटिव हो, आगे बढ़, कुछ अचीव कर ले, थोड़ा काबिल बन, ताकतवर बन, उस ताकत को सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित रख, अपने डिफेंस में तुझे कुछ तो चाहिए भाई, इतना समझ के चलना। क्योंकि तू भले ही कितना भी काइंड है लेकिन सामने वाला इतना काइंड नहीं है, पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, ये समझने वाली बात है। इसीलिए अगर सामने वाले को भनक भी बढ़ गई थी, कमजोर है, वो देर नहीं लगा के तेरा फायदा उठाए, उसको देर नहीं लगेगी। आप समझो इस चीज को, आप यूं समझो ना, चलो चाहे कितना ही काइंड, लविंग, प्यार भरा, सपोर्ट भरा आपका रिलेशनशिप है, एक आदमी है, एक औरत है, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, वो कहीं घूमने निकलते हैं, अब कोई बेकार आदमी से उसकी भिड़न हो जाती है, फिजूल का पंगा हो जाता है,
अब एक लाचार आदमी है, कुछ कर नहीं सकता है। अपने साथ जिसको लेकर घूम रहा है उसको वो प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। आप सोचो कि उसके साथ रहना पसंद कौन करेगा? भले ही तुम कितने अच्छे व्यक्ति हो लेकिन आप काबिल भी नहीं हो कि आप डिफेंड भी कर सको। आपको दुनिया भर ने फॉरगिवनेस सिखाई है लेकिन आपको किसी ने भी स्ट्रेंथ की महत्व सिखाया नहीं है कि ताकतवर होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि तुमको दुनिया भर में डिफेंड करना भी जरूरी है खुद को। आपकी काइंडनेस को प्रोटेक्ट करना भी तो जरूरी है ना मेरे भाई। किसी भी चीज को आप समझो ना ब्लाइंडली फॉलो करने मतलब हो। मैं तो दुनिया भर के लिए अभी काइंड हो गया आज से, अंदर से भी काइंड बाहर से भी काइंड, अंदर से भी फॉरगिवनेस बाहर से भी फॉरगिवनेस। नहीं, फॉरगिवनेस जरूरी है लेकिन तब जब आपके पास कुछ काबिलियत हो, ना कि तब जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ही हो कि फॉरगिव करो। वो कमजोरी और लाचारी का निशानी है और कुछ नहीं है।